हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर ध्वानी जैन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल हेल्थ एंड वेल्थ। आज की वीडियो में मैं आपको टेनिस एल्बो के बारे में पांच चीज़ें बताने वाली हूं। सबसे पहले, टेनिस एल्बो क्या होता है। सेकंड, ये किसको और कैसे हो सकता है। थर्ड, आप कैसे पता लगाएंगे कि आपको टेनिस एल्बो है। फोर्थ, टेनिस एल्बो के लिए ट्रीटमेंट। एंड फाइनली, अगर आपको टेनिस एल्बो है तो आप क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। टेनिस एल्बो एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारे एल्बो जॉइंट यानी कि जो कोनी होती है उसके बाहर के पार्ट पे यानी कि इस एरिया में सूजन और पेन महसूस होता है, जिससे हम कोई भी रिस्ट मूवमेंट करें या एल्बो मूवमेंट करें वो भी हमें करने में दिक्कत हो सकती है और पेन हो सकता है। जैसे कि नाम है टेनिस एल्बो, ये ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ टेनिस प्लेयर्स या जो टेनिस खेलते हैं उनमें ही पाया जाता है। ये किसी को भी हो सकता है, स्पेशली जो बहुत ही रेपिटेटिव मूवमेंट्स करते हैं। फॉर एग्जांपल, जिनको बहुत ही बाइक चलानी होती है तो ये मूवमेंट बहुत ही रेपिटेटिव होता है रिस्ट का, ये वाला, तो उनमें ये कॉमन है। सेकेंडली, हाउसवाइव्स जिन्हें बहुत ही किचन में रोटी बेलने का काम होता है क्योंकि उसमें भी ये मूवमेंट रहता है, और कढ़ाई में से चम्मच हिलाना उसमें भी रिस्ट का बहुत ही रेपिटेटिव मूवमेंट रहता है, कपड़े निचोड़ना ये मूवमेंट आप फिर से देख सकते रहता है। तो ये रेपिटेटिव मूवमेंट की वजह से टेनिस एल्बो हो सकता है। इसमें क्या होता है, जो हमारे फोरआर्म एक्सटेंसर मसल्स है जो यहाँ पे होते हैं ये पूरे एरिया में, तो ये एक्शन करने से इनकी रेपिटेटिव मूवमेंट होती है और इसीलिए ये मसल्स को स्ट्रेन आ जाता है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है और इसीलिए आपको स्वेलिंग और पेन महसूस होता है। अब आप कैसे पता लगाएंगे कि आपको टेनिस एल्बो है या नहीं, तो इसके लिए आप एक कोजिन्स टेस्ट कर सकते हैं। इसमें आपको आपके हाथ को स्ट्रेट ऐसे रखना है, याद रखिए एल्बो स्ट्रेट रहना चाहिए। अब आपको एक मुट्ठी बनानी है और आपके रिस्ट को आपको इस तरह ऊपर लेट के जाना है और वो करते टाइम दूसरे हाथ से आपको आपके हाथ को नीचे की तरफ धक्का देना है, यानी कि आपको आपके दूसरे हाथ के धक्के के खिलाफ ये रिस्ट ऊपर करनी है इस तरह। ये करते वक्त अगर आपको इस एरिया में पेन है तो आपको टेनिस एल्बो है, यानी कि आपका कोजिन्स टेस्ट पॉजिटिव है। मैं साइड व्यू में बताती हूँ आपको कैसे करना है। ये आपको एल्बो ऐसे स्ट्रेट रखना है, हाथ स्ट्रेट रखना है, मुट्ठी बनानी है, हाथ को धीरे धीरे ऊपर लेके जाना है और उसी वक्त दूसरे हाथ से इसको धक्का देना है नीचे की तरफ, ठीक है। ये करते वक्त इस एरिया में अगर आपको पेन है तो कोजिन्स टेस्ट पॉजिटिव है, यानी कि आपको टेनिस एल्बो हो सकता है। अब हम देखते हैं कि टेनिस एल्बो का ट्रीटमेंट क्या है। सबसे पहले, जैसे ही आपको ये पेन शुरू हो और आपको पता लगे कि आपको टेनिस एल्बो है, तो आपको दिन में 3 से 4 बार आइस पैक का सेक करना है। आप आइस क्यूब मसाज भी कर सकते हैं ऐसे धीरे से सर्कुलर मोशन में, या आप सीधा आइस पैक भी इस एरिया पे रख सकते हैं। आइस पैक क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, अगर ये आपको जानना है तो आप मेरी ऊपर दी गई वीडियो को ज़रूर चेक कीजिए। सेकेंड, आपको सॉफ्ट टिश्यू मोबिलाइजेशन करना चाहिए। इस ये कैसे करना है, आप 1 या 2 पिलो ले लीजिए इस तरह, ठीक है, आपका हाथ इस तरह रखना है आपको। अब दूसरे हाथ की 2 फिंगर्स आपको एल्बो जॉइंट जो होता है उसके नीचे इस तरह रखना है, ठीक है। अब आपको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में थोड़ा सा प्रेशर देके इस तरह आपकी फिंगर्स घुमानी है, इस तरह। थोड़ा प्रेशर ज़रूरी है क्योंकि जो मसल्स में नॉट्स अगर फॉर्म हो गए हैं या अधीजन्स फॉर्म हो गए हैं तो उसे ब्रेक करना ज़रूरी है, इसलिए आपको 2 फिंगर्स लेनी है। एल्बो जॉइंट के 1 फिंगर छोड़ के आप इस तरह मसाज करेंगे। ये करीबन 2 मिनट के लिए आप कर सकते हैं। पॉसिबिलिटी है कि ये मसाज करने के बाद आपको थोड़ा सा दर्द महसूस हो तो आप 5 मिनट के लिए फिर से आइस पैक लगा सकते हैं। नेक्स्ट है फोरआर्म एक्सटेंसर स्ट्रेच। इसमें आपको क्या करना है, आपका हाथ स्ट्रेट रखना है, फिर से आपको आपकी हथेली नीचे की तरफ लेकर आनी है और दूसरे हाथ से
पाम के बीचों बीच हाथ रखकर आपको ओवर प्रेशर देना है, यानी कि खुद की तरफ पुल करना है। ये करने से आपको एक अच्छा सा स्ट्रेच फील होगा इस एरिया में। वो स्ट्रेच आपको 30 काउंट्स के लिए होल्ड करना है, कम से कम दो बार करना है। ये हो जाने के बाद आपको सेम स्ट्रेच अलग डायरेक्शन में करना है, यानी कि पहले आप ऐसे सीधे पीछे ले रहे थे, अब आपको हथेली को थोड़ा सा अंदर की तरफ, यानी कि जिस तरफ अंगूठा है उस तरफ आपको लेना है और फिर आपकी तरफ पुल करना है। ठीक है, आपको यहाँ पर एक अच्छी सी स्ट्रेच फील होगी। ये स्ट्रेच 30 काउंट्स के लिए होल्ड करनी है और दो से तीन बार करना है। नेक्स्ट है फोरआर्म मसल स्ट्रेंथनिंग। इसके लिए आपको क्या करना है, एक घर पे सबके 1 लीटर बॉटल अवेलेबल होगी, आधा या 1 लीटर बॉटल, उसको पूरी तरह पानी से भर लेना है। फिर आपको एल्बो बेंड रहेगा इस तरह, और इस तरह आपको पकड़ना है। अब आपको हथेली जो होती है, जो रिस्ट होती है, उसको नीचे की तरफ ऐसे लेके जाना है, जितना लेके जा सके। अब आपको ऊपर लाते वक्त एकदम ही धीरे ऊपर लेकर आना है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि आप ऊपर लाते वक्त एकदम ही धीरे करेंगे, क्योंकि उसमें ही ये मसल्स की इसेंट्रिक स्ट्रेंथनिंग होगी। नीचे लेके जाना है, फिर से बताती हूँ, और फिर धीरे से ऊपर लेकर आना है। ठीक है, ये करीबन आप 10 रेपिटेशंस के लिए कर सकते हैं। नेक्स्ट और बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है प्रिकॉशंस। अगर आपको टेनिस एल्बो हो गया है तो आपको बहुत ही ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि कोई भी रेपिटेटिव मूवमेंट्स आप ना करें। बहुत सी लेडीज़ को आदत होता है कि वो जब गैस पे कुछ पका रहे हो तो जो चम्मच होता है उन्हें वो इस तरह हिलाते हैं, या आप देख रहे हैं कितना रिस्ट मूवमेंट हो रहा है, मेरा शोल्डर वैसे का वैसे है, बट इस तरह वो हिलाते हैं, विच इज़ नॉट गुड। आपको क्या करना है, हाथ ऐसे ही रखना है, आपको शोल्डर मूवमेंट यूज़ करना है और हिलाना है। अब आप देख सकते हैं कि मेरे रिस्ट का कुछ मूवमेंट ही नहीं है, सारा मूवमेंट शोल्डर से आ रहा है, जिससे आप रिस्ट पे ज़्यादा स्ट्रेन नहीं देंगे और आपको आराम मिलेगा। सेकेंडली आपको ध्यान रखना है कि आप ज़्यादा, जब आपको ये पेन है, एटलीस्ट थोड़े दिनों के लिए आप ज़्यादा कपड़े ना निचोड़े या ज़्यादा रेपिटेटिव मूवमेंट्स वाली एक्शन ना करें। सेकेंडली मार्केट्स में एक स्ट्रैप अवेलेबल है, जिसे हम बोलते हैं एल्बो सपोर्ट ब्रेस, जो टेनिस एल्बो ब्रेस भी बोलते हैं। एक पतला सा ब्रेस आता है जो आपको एल्बो के वन फिंगर छोड़ के इस तरह इस एरिया में आपको वो टाई करना है और पूरे दिन रखना है, जिससे आपको रेस्ट मिलेगा, ये मसल्स को रेस्ट मिलेगा। ये करीबन आप 1-2 वीक के लिए रख सकते हैं, स्पेशली अगर आपको बहुत काम करना पड़े उस दिन, तो आप स्पेशली ये पहनना ताकि आपको थोड़ा रिलीफ मिले। सो आई होप आपको टेनिस एल्बो के बारे में सारी जानकारी मिल गई होगी, आपको ट्रीटमेंट समझ में आ गया होगा। आप ये टिप्स ज़रूर फॉलो कीजिए ताकि आपको टेनिस एल्बो पेन से रिलीफ मिल जाए। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो ज़रूर इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस ज़रूर कीजिए। फ्यूचर में कोई टॉपिक्स पे आपको वीडियोस देखनी है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, एंड आई विल कम बैक विद वन सून। टिल देन कीप मूविंग एंड स्टे फिट।